नवभारत टाइम्स के मैं तमाम अपने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप देख सकते हैं ओवल मैदान में तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद मैं बैठा हूं, थोड़ा सा थका हारा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि टीम इंडिया नहीं थकी होगी। तीन दिन की क्रिकेट है, तीन दिन की क्रिकेट ने उन पर थकान का असर नहीं डाला होगा, क्योंकि अब जो है टीम इंडिया ये जो तीन दिन पीछे रही है, टेस्ट क्रिकेट को मैराथन कहा जाता है, वहाँ पर आप आगे आते हो और ये बात हर कोई कह रहा है। टीम इंडिया के पास चुनौती है कि आखिरी दो दिन वो आगे आए। टेस्ट मैच में ज़्यादातर सत्र इंडिया ने हारे हैं, सत्र के लिहाज से इंडिया आगे चल रहा है, लेकिन इंडिया की खासियत ये है कि इंडिया ने जिस तरह का फाइटबैक दिखाया है हाल के सालों में, जस्टिन लैंगर ऑस्ट्रेलिया के कोच, उन्होंने कहा कि भाई इंडिया कोई भी स्कोर चेस कर सकती है 300-350। सौरव गांगुली ने कहा कि विराट कोहली चेज मास्टर हैं, वो एक बड़ी पारी खेलेंगे, इंडिया को घबराना नहीं चाहिए। हरभजन सिंह कह रहे हैं कि भाई इंडिया पहली इनिंग में बड़ी डर के खेली, उनको बिग ट्रॉफी आईसीसी ट्रॉफी का एक दबाव दिख रहा है, खुल के खेलो। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या इंडिया खुल के खेलती है, लेकिन खुल कर खेलने से पहले ज़रूरी होगा कि ऑस्ट्रेलिया को एक लिमिटेड स्कोर में रोका जाए। लिमिटेड स्कोर का मतलब ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया 300 के करीब की बढ़त ले चुकी है, अगर इस स्कोर पर भी वो ऑल आउट हो जाती है बिना एक रन जोड़े तब भी ये बड़ा स्कोर है इस विकेट पे। लेकिन अगर इंडिया ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ख़राब बल्लेबाजी की, तब भी आप मान के चलिए 50-60 रन बनेंगे, और अगर 50-60 रन बनते हैं तो 360-70 आपको लगेगा कि 360-70 रन तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन शार्दुल ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे और उन्होंने कहा कि हम तो 400-450 से भी नहीं घबराते हैं, और उनका ये हौसला माना जा सकता है जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, अगर शार्दुल ठाकुर कर रहे हैं और अजिंक्य रहाणे जिसने जिस तरह की बल्लेबाजी खेली, भले ही शतक से चूक गए, लेकिन इस शतक होने के चलते इस पारी की अहमियत कम नहीं हो रही है, और कहीं ना कहीं अजिंक्य रहाणे की इस पारी ने विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा और शुभमन गिल को आस दिलाई होगी कि नहीं, इस विकेट पर भी बल्लेबाजी की जा सकती है, और ज़रूरी होगा चौथी पारी में इंडिया के बल्लेबाजों को बहुत अच्छा खेल दिखाना होगा, क्योंकि अगर हाल के सालों में इंडिया का रिकॉर्ड देखें, टॉप ऑर्डर का रिकॉर्ड जो है बहुत ही साधारण रहा है। पिछले दो साल में WTC साइकिल में इंडिया का रिकॉर्ड बहुत ही साधारण रहा है, और उम्मीद करनी चाहिए कि अगर एक दिन और एक मैच में पूरे दो साल की जो कमी है, नाकामी है, उसको मिटा दिया जाए, उसकी परत को हटा दिया जाए, तो ये मौका है। ये करो या मरो नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं वाला मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ऐसा मौका इंडियन टीम को शायद ही मिले। इतिहास रचने के कगार पर हैं, वनडे चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया इंडिया दोनों हैं, T20 चैम्पियन दोनों टीमें हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी भी दोनों टीमों ने जीती है, ऐसे में वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जो जीतेगा उसके नाम पर रिकॉर्ड बनेगा कि ICC की हर ट्रॉफी जीतने वाला पहला मुल्क। इंडिया चाहेगा कि वो पहला मुल्क बने, देखते हैं ये होता है या नहीं। लंदन के ओवल मैदान से विमल कुमार की रिपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।